नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल आधार कार्ड पीवीसी कार्ड हो चुकी है। ये दिखने में ठीक एटीएम कार्ड की तरह है, इतना छोटा और हैंडी है, इसे कैरी करने में बहुत आसानी होता है। तो ये आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, हमारा यहाँ मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ सर्च बार में हम टाइप करेंगे UIDAI.gov.in। देखिए ये टाइप करते ही सर्च बार में आ गया है, चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा सामने ओपन हो गया है। देखिए हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, हम इसको सिर्फ टैप करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर टैप कर देते हैं। देखिए ये नेक्स्ट विंडो जाने के लिए बोल रहा है कि एक अलग से पेज में, वेबसाइट के पेज में चला जाएगा, वहीं से आपको इसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो चलिए अगली पेज में जाने के लिए हम इसको ओके कर देते हैं। देखिए ये अगला पेज हमारे सामने खुल के आ गया है और नीचे लिखा हुआ है लॉगिन। तो चलिए हम इसको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर दिया और एक पेज ओपन हो गया और पहले बार में दिखाई दे रहा है यहाँ हमको एक आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत है और नंबर हमें यहाँ फिलअप करना होगा। तो चलिए हम इस नंबर को फिलअप कर लेते हैं और नीचे जो कैप्चा कोड है इसको हमें देना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले आधार कार्ड की नंबर को यहाँ पुट कर देते हैं। हमने आधार कार्ड की नंबर को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ नीचे हम कैप्चा को हम फिलअप कर देंगे। देखिए हम कैप्चा को फिलअप कर दिया और हम इसको सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब भी तो ये हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा सामना ओटीपी आ चुकी है, हम इस ओटीपी को यहाँ फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज आ चुकी है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाई दे रहा है, इनमें से हमें पीवीसी आधार कार्ड इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया नेक्स्ट पेज में आ चुकी है, आप देख रहे हैं ये लोडिंग हो चुकी है और यहाँ हमारी आधार कार्ड की सारे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कौन सी जेंडर है और नीचे एड्रेस है, ये सारे के सारे हम चेक करना होगा। और चेक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा, एक चेक बॉक्स आएगा, इसी चेक बॉक्स को हमें चेक करना होगा या फिर टिक देना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो देखिए इसी बॉक्स को हमें चेक करना होगा और चलिए हम इस बॉक्स को चेक कर देते हैं और टिक मार्क लगा देते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा, देखिए ऑप्शन अवेलेबल हो गया और मेक माई पेमेंट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं नीचे राइट साइड में। इसी ऑप्शन को हम क्लिक करते ही हमारा जो बैंक की पेज ओपन हो गया, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे इसलिए हम कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कार्ड ऑप्शन आ गया और सारे के सारे डिटेल्स डेबिट कार्ड की हम यहाँ फिलअप कर लेते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर पे बैंक की ओर से एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को हमें यहाँ फिल करना होगा। तो चलिए हम धीरे धीरे इस ओटीपी मैसेज को फिल कर लेते हैं। अभी तक मैसेज आया नहीं, थोड़ी ही देर में ये आ जाएगा। देखिए आ गया है और चलिए हम इस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेते हैं। हमारा ओटीपी फिलअप हो गया है, तो चलिए हम कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करते हैं और ये प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो देखिए हम प्रेस कर दिया और हमारी बैंक अकाउंट से 50 रुपये अभी कट गया है।
और सक्सेसफुल हो गया भी है। और देखिए यहाँ टिक मार भी आ गया है, इसकी मतलब हमारी बैंक की ओर से जो 50 रुपये का चार्जेस वो UIDAI ने चार्ज कर लिया है और हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। एक्नॉलेजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों के अंदर ये आपके घर चला आया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।